जो कंद के फूल चंद्रमा और बर्फ के हार के समान श्वेत है, श्वेत वस्त्र पहनती है, हाथों में वीणा धारण किए हुए है और श्वेत कमलों के आसन पर विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता जिनकी सदा स्तुति करते हैं, जो हर प्रकार की जड़ता हर लेती है, वह माँ सरस्वती हम सबका उद्धार करे। आज हम बात करेंगे ओर गाँव की, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी अन्य जानकारी जान लें। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसका प्रमुख पर्यटन स्थल अर्बुद अर्थात माउंट आबू माना जाता है, जो सैलानियों की पसंदीदा जगह है। यहीं पर गौमुख, वशिष्ठ आश्रम, गुरु शिखर, देलवाड़ा के जैन मंदिर सहित अनेकों तीर्थ हैं। जंगल, वनस्पति, वन्य जीव, झरने और लहलहाते घास के मैदान वो खेत इसे खास बनाते हैं। आबू का सबसे बड़ा स्टेशन आबू रोड है और आबू रोड के ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकटवर्ती ओर गांव बसा हुआ है, जो भगवान विट्ठल की प्राचीन शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ पर एक प्राचीन विट्ठल भगवान का मंदिर है, जिसके दर्शन करने नित्य प्रति लोग यहाँ पर आते हैं। बत्रीसा पानी के प्रवाह के किनारे बसे इस ओर गांव की प्राथमिक छटा तो देखते ही बनती है। इस गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग पर माँ सरस्वती का मंदिर बनाया गया है, जो रावल समाज के वशिष्ठ गोत्रियों की कुलदेवी मानी जाती है। हालांकि माँ सरस्वती तो संपूर्ण जगत की माँ मानी जाती है, जिसकी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी सदा स्तुति करते हैं, जो हर प्रकार की जड़ता को हर लेती है। इस ओर गांव में नवनिर्मित मंदिर में माँ सरस्वती माँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर माँ सरस्वती सेवा संस्थान के तत्वाधान में संस्था अध्यक्ष राकेश शंकर लाल जी रावल तथा पूरी कमेटी के नेतृत्व में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। और यहां पर इस माँ के जलसे में रावल समाज आने वाला है, इसलिए इस गांव में भी जबरदस्त उत्साह है। इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में समस्त वशिष्ठ गोत्रीय रावल समाज के 16 परगने तथा 12 शासन को आमंत्रित किया जाना है, जिनकी साक्षी में माँ सरस्वती माता मंदिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 6 मई शुक्रवार को दीप प्रज्वलन ध्वजारोहण के साथ गांव में सुबह मंगल कलश यात्रा निकलेगी, जो बाजे गाजे के साथ नाचते थिरकते गांव फेरी कर पुनः माँ सरस्वती मंदिर वशिष्ठ भवन पहुँचेगी। उसके बाद शुरू होगी प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि तथा महायज्ञ। इस यज्ञ में यज्ञ के लाभार्थी परिवार आहुतियाँ देने बैठेंगे। पूरा वातावरण पर्यावरण को संरक्षित करेगा, साथ ही प्रतिष्ठा विधि को लेकर जलाधिवास होगा। उसी शाम हास्य सम्राट तथा भजन गायक जुगल किशोर रावल की जगिया पेंटिया एंड पार्टी द्वारा भजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। अब आते हैं 7 मई शनिवार को सुबह स्नपन, धान्याधिवास, शयनाधिवास की विधि
विधव ब्राह्मणों द्वारा की जाएगी। जबकि उसी शाम एक बार फिर हास्य सम्राट और भजन सम्राट जगिया पेंटिया एंड पार्टी द्वारा भजन संध्या होगी, जबकि अन्य बोलियों के चढ़ावे भी होंगे। इस कार्यक्रम में 8 मई को माँ भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हो। जी हाँ, 8 मई अर्थात रविवार का दिन माँ भगवती सरस्वती माता की मूर्ति की भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा होगी। माँ सरस्वती पूर्ण विधि विधान के साथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होगी। उसी दौरान कुछ सम्मान के कार्यक्रम तथा पूरे गांव में फरे चुंदरी होगी। फरे चुंदरी का मतलब होता है उस दिन उस गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जलता, जहां पर भक्त माँ का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और में होने वाली इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे और गांव में उत्साह है, वहीं रावल समाज के वशिष्ठ गोत्रीय लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है तथा बाहर गांव से अर्थात जो दिसावर में रहते हैं वो लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही उतावले हैं। आप सब भी से भी विनती है कि इस माँ के भव्य जलसे को सफल बनाने आप भी पधारें।